ट्रोल्स। एनीवन? व्हाट मैम? Had I told you the format of diary writing? No, ma'am. Better. Last lecture, what we were doing? What had we done in last lecture? And subject predicate. Subject and predicate. So now it is done. Okay. So today I am going to tell you what is a diary writing and how to write. Now listen everyone, diary writing, you must have observed that there are some person who have the habit to write a diary, whatever they have done the whole day and whatever has happened to them the whole day. Okay, they used to write and collect their memories. Okay, so this way we have to write a diary writing. Okay, maybe you are having it, maybe you are not, but you should know how to write it. Okay, now suppose if I have to write a diary writing, so first of all I will put the date. Okay, so what is the date today? 21 April. Then time. Now what happened? Time क्या होता है diary का? जब पूरा दिन finish हो जाता है तब हम लिखते हैं, यानी कि रात को ही लिखेंगे. रात को 10 or 10:30 का time आप लिख सकते हो, वो पूरा दिन spend हो जाता है, dinner भी हो जाता है, उसके बाद ही आप लोग लिखते हैं. डे अलग से लिखना है, अलग से लिख सकते हैं, ये भी लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं इसके साथ. व्हाट इज द डेट टुडे? वेडनेसडे. ठीक है, अब द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन बता देते हैं क्या है. मैम एक डाउट है. बोलो. मैम ये सब लाइन लीव करके लिखने का या कंटिन्यू में लाइन? नहीं, लाइन नहीं लीव करनी, ये तो ऐसे लिखना है. नाउ क्वेश्चन इज, अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया. तो क्वेश्चन इज, यू हैड अ बिटर क्वारल with your neighbor क्वेश्चन हमको लिखना. हाँ क्वेश्चन लिखूंगा.
write this first. I'm done. Done, everyone. Written the question? Yes. No, ma'am, baki hai. करीना मैम, यस, माधवन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है मैम. कौन? माधवन भट्ट. तो माधवन को तो वही ज्वाइन कर सकते हैं जो होस्ट है. धारा मैम को बोलो ना, होस्ट है, वो तो वही ज्वाइन करवाएं. धारा मैम को. हाँ ठीक है मैम. मैम होस्ट मैं हूँ, आईडी धारा मैम की है. हाँ तो फिर वही जो भी होस्ट है ओनली दैट पर्सन कैन डू. मैम यहाँ पे कोई वेटिंग रूम में है नहीं. कौन है होस्ट? राखी मैम. मैम साक्षी मैम. हेलो हेलो मैम, साक्षी मैम है होस्ट में. साक्षी मैम. उनकी आईडी धारा मैम की आईडी से लॉग इन है. मैं दृष्टि बात कर रही हूँ मैम. दृष्टि तो फिर माधवन को देखो ना, माधवन एंटर नहीं हो पा रहा है. मैम वो है ही नहीं वेटिंग रूम में. ठीक है, उसको मैं बोलती हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे. हाँ ठीक है, कौन से नंबर पे भेजे? यही साक्षी मैम के नंबर पे. मैम ये मीटिंग चालू है, ये लिंक भेजा होगा ना उसको. मैम अभी हुआ, एडमिट कर रही हूँ मैं. हो गया वो. हाँ ठीक है, हो गया. Now I hope everyone has written the question. Yes. Yes, आप क्या कर रहे हो? मैम अभी जॉइंट हुआ, हो ही नहीं रहा था. कौन? माधवन. डायरी एंट्री. डायरी कैसे लिखते हैं वो बता रही हूँ. ये फॉर्मेट बताया है और एक क्वेश्चन लिखवाया था. अब वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी. अब सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है कि वो बोल क्या रहे हैं और क्या वो लिखवाना चाहते हैं. देखो सबसे पहले उन्होंने बताया कि यू हैड अ बिटर क्वारल विद योर नेबर, कि आपका अपने नेबर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है. किस बात पे? ओवर पार्किंग हिज कार इन योर प्लेस. उसने अपनी कार आपकी जगह पर पार्क कर दी. ठीक है. राइट इन योर डायरी योर फीलिंग्स अबाउट दिस इंसिडेंट. अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो अगर उसने उसके नेबर ने अपनी कार मेरी कार की प्लेस पर पार्क करी है तो मॉर्निंग में तो नहीं करी होगी ना. वो आज जब मैं आऊंगी ऑफिस से तभी वो पार्क करेंगे, क्योंकि मैं ऑफिस गई तो कार लेकर गई. फिर वो एम्प्टी स्पेस देख कर नेबर ने वहां पर पार्क करी. तो जब मैं ऑफिस से आई तब मैंने देखा कि मेरी प्लेस तो एम्प्टी नहीं है, वहां पर किसी और की कार पार्क्ड है. फिर मैं बुलाऊंगी उसको और बात करूंगी, फिर वो बात का क्या झगड़ा होगा वो देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले डियर डायरी. नाउ अब आजकल क्या है कि ये भी फिनिश होता जा रहा है. पहले लिखा करते थे ऐसे डियर डायरी, बट अभी आजकल ऐसा नहीं है. स्टिल आई ऑब्जर्व दैट सम स्कूल्स मेक यू राइट. तो जब स्कूल्स में से होगी, जिस स्कूल में लिखवाई जाएगी
उसमें बता देंगे कि डियर डायरी लिखना है कि नहीं, किसी स्कूल में लिख पाते हैं किसी में नहीं लिख पाते. तो ओके हम लिख रहे हैं, अगर किसी स्कूल में नहीं लिख पाएंगे तो वहां से रिमूव कर. कभी कभी तो फ्रेंड पे भी होता है. क्या होता है? फ्रेंड पे, डियर फ्रेंड. मेरे को ऐसा झगड़ा हो गया, फ्रेंड पे नहीं. डियर फ्रेंड कैसे लिख सकते हैं? डायरी तो हम खुद को लिख रहे हैं, वो लेटर की बात होती है, वो लेटर है. ये हम डायरी लिख रहे हैं. डायरी कब लिखते हैं? हम खुद के लिए लिखते हैं कि हाँ हमारे पास ये हुआ, हम पूरे दिन के इंसिडेंट्स को उसमें समराइज करके डायरी को अगर फ्रेंड माना जाए तो ठीक है कि डियर फ्रेंड, तो अलग चीज है. ओके ठीक है. अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे दिन का इंसिडेंट बता रहे हैं तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि आज मैं बहुत खुश था. ठीक है. क्वेश्चन के नीचे लिखना है. किसके? क्वेश्चन के. क्वेश्चन के बाद ही पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्म है. पहले ये सब लिखेंगे फिर डायरी. पहले मैं लिख रही हूँ आप समझ लो, फिर आप लोग लिखना. पहले मुझे लिखने दो, आप लोगों की सजेशंस के साथ मैं लिखूंगी. सबसे पहले मॉर्निंग में उठे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग. ठीक है. द मॉर्निंग वॉज वेरी ब्राइट एंड सनी एंड I was feeling very energetic. After taking bath, I had my breakfast prepared by my mother, which was full of nutrition. And the energy level in my body increased. ये सिंपल सी बात होती है. जब हम मॉर्निंग में ऐसे उठ गया तो अच्छा लग रहा है. कभी तो बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कभी लगता है यार आज क्यों उठ गए, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी ये हो रहा है. तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई हाँ ओके. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात बताई गई है कि जो नेगेटिव है, जैसे उन्होंने बोला कि आपका झगड़ा हुआ, तो आप स्टार्टिंग पॉजिटिव से करो कि आज तो बहुत अच्छा था सब कुछ और ये वो जो भी. ये मैंने कुछ चीज अपने हिसाब से लिखी है, आप अपने हिसाब से कुछ और लिख सकते हो कि मेरी मदर के साथ मेरी बात हुई और she was praising me for my good marks, या मेरे फादर से मेरी बात आई, he was very proud of me. तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि छोटी कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स में हुई पर मैं बहुत खुश था. Then I went to office. Okay? After reaching office, I was called by my boss. There I had to go for a presentation. ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन होती है तो वहां पे लिख सकते हैं कि मैं ऑफिस में बॉस से बुला है और फिर मुझे प्रेजेंटेशन करनी थी. ठीक है. द प्रेजेंटेशन
वॉज आउटस्टैंडिंग, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। देखो ये मैं आपको एक वे बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम वर्ड्स लिखने, ये मेरे को भी जैसे समझ आ रहा है जैसे करते जा रहा है कैसा है। आपको एक एग्जांपल मिलेगा, देन सेकंड यू कैन राइट द प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग एंड द होल ऑफिस praised my work. ठीक है, फिर इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो I planned to celebrate with my friends. I had to go to home to change, but as soon as I reached at my home, I saw that in place of my parking, someone else's car was parked. I called the security guard. He told me the person who had parked his car there. And I called that person, but he was not ready to admit his mistake. He was very mannerless and he left the level and then talked. Means usne एक मैनरिज्म है, वो लेवल छोड़कर मुझसे बात की। He even used abusive language, मतलब उसने गाली गलौज भी करी मेरे साथ। And he was not ready to take his car back. Then I also started arguing in a loud voice. Many people surrounded suddenly. My whole day, which went very nicely, but this incident made it converted it into a bad one. आया इतना समझ में कि ये सब लिख के दिखाऊं मैं आपको? तुम लिख दो ना, मैं पता चले। ये लिख दिया फिर आप लोगों ने? नहीं, मैं साइड हूँ ना, साइड। ये लिख दो फिर आगे का मैं बताती हूँ। आगे का मैं डिक्टेट करती हूँ। मैम फिर से डेट 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 डे और टाइम लिख के फिर से लिखना है। अभी अभी जो मैं बताऊंगी वो इसका आगे का पार्ट है, अभी ये फिनिश का हुई है। मैम पर ये डियर डैंडी वो क्वेश्चन के नीचे लिखना है? नहीं, आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, यू विल गेट अ क्वेश्चन, उसके बाद आपको डेट डे टाइम वो सब लिखना है। क्वेश्चन तो एग्जाम में से स्कूल से मिलेगा ना आपको, मैंने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले आपको फॉर्मेट बताया। यस मैम। स्क्रीन इंक्रीज के बाद पैराग्राफ है दूसरा। हाँ मैम, आफ्टर और फिर क्या लिखा है? आफ्टर रीचिंग ऑफिस है ना, फिर रीचिंग के बाद। हाँ
आफ्टर गेटिंग टू ऑफिस भी लिख सकते हो. मैम होल्ड, मैम वो जो वो होल ऑफिस के बाद क्या लिखा है? प्रेज्ड माय वर्क मैम. रिटर्न मैम, रिटर्न ऑल. यस मैम, यस मैम. ठीक है तो आगे लिखो. अभी दूसरा पैराग्राफ मैम. एक मिनट मैम, एक मिनट. हाँ भाई, हाँ. नेक्स्ट पैराग्राफ अब लिखेंगे. आई प्लान टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री with my friends yeah, mein, with my friend. With my friends. So we all went to our homes to refresh. And be ready. Be ready, full stop. As soon as I got to the parking area of my society, I found someone else has parked his car. Ma'am, what is after my society? कोई मैं ऐसे कहीं से देख के नहीं बोल रही हूँ. I found someone else has parked his car. Has parked his car in place of mine. In place of mine. M-I-N-E, mine. Mine.
I called the security guard. And he told me about the person. Guard and principal. Security guard and He told me about the person. मैं पैराग्राफ पढ़े ना तो कहना मैं अच्छा फिर दैट पर्सन वाज कॉल्ड पर्सन एंड वी हैड दैट पर्सन वाज कॉल्ड एंड वी हैड A heated argument over the matter. And he had. क्या बोला मैंने? He had a heated argument ऐसा कुछ बोला मैंने. And we had a heated argument. मैम we are. We argument दो लोगों में के बीच में होगा ना? And we had. A heated argument over the matter. मैम पर उसके फ्रेंड नहीं थी उसके साथ नहीं वो अपने घर पे चेंज करने आया था ना कपड़े अपने आर्ग्यूमेंट ही वॉज नॉट रेडी टू एडमिट हिज मिस्टेक He was not ready to admit his mistake and continuously using abusive language. मैं bad words लिख सकते हैं. Paragraph change कर सकते. And continuously. क्या लिखा उससे पहले आपने? मैम, he was not ready to के बाद क्या? हाँ, he was not ready to admit his mistake. Admit his mistake and was continuously. Using abusive language. A-B-U-S-I-V-E. Abusive. Abusive language. Which raised my anger. पैराग्राफ नहीं होगा तो बोलूंगी विच रेज्ड माय एंगर एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाउडली And I also started screaming loudly. Screaming loudly. Many people collected there. Many people collected there and the wonderful day
and the wonderful day had been converted to a bad one. And the wonderful day had been converted to a bad one. फिर बस फिर फिनिश हो गया खत्म. ठीक है, तो ये डायरी ऐसी थी जो मैंने आपको लिखवाई थॉट्स करते करते क्रिएट करते करते. नाउ लास्ट में कुछ लिखने क्या लास्ट में कुछ लिखने का नहीं नहीं बस हो गया इतना. अपना नाम लिख सकते हैं बट आपकी डायरी है तो ऑब्वियसली कि ये आपका नाम. हाँ आपका नाम है यहाँ पे. क्या नाम है आपको क्वेश्चन में बताया कि आप कौन हो. मैं तो अभी जानती हूँ अर्जुन और अमिता. हाँ तो आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में अर्जुन सिंह. योर ओनर अर्जुन सिंह ऐसे. अरे योर ओनर क्यों बोलेंगे आप खुद को थोड़ी बोलेंगे. योर फेथफुली खुद को बोलेंगे कि मैं खुद का ही हूँ सिर्फ अपना नेम बस. अर्जुन क्वेश्चन में देखो ना कि क्या लिखा है किसका नाम लिखा है. मैंने लिखा नहीं. क्या मैंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन. अर्जुन सिंह. बाकी पूरी डायरी एंट्री ली. Now another diary will be written by you. But if you have any query, जैसे अगर आप माइंड में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूं, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मैं ये लिखना चाह रहा हूँ तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता दो तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी. ठीक है, सो आप क्वेश्चन लिखो. Ready all? You are Abhimanyu or Arushi. मतलब boys Abhimanyu लिखेंगे और girls Arushi लिखेंगे. You are Abhimanyu or Arushi, a student of class 12. A student of class 12, write a diary entry. Write a diary entry about your fears. Your fears, F-E-A-R-S, fears and anxiety, A-N-X-I-E-T-Y, anxiety, मतलब restlessness, बेचैनी. मैं वापस बोले तो spelling. A-N-X-I-E-T-Y. तुम शांति से सुन लो पहले. A N X I E T Y, anxiety, बेचैनी. Anxiety about doing well in board exam. Doing well in board exam about doing well in board exam and choosing a career
योर करियर. हाँ जी, मतलब आपका करियर. चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं. दिस विल रिमेन सेम द डेट एंड व्हाट एवर इज देयर. स्टार्टिंग कैसे करोगे, कोई डिस्कस कर सकता है? मैम डियर डायरी से. हाँ उसके बाद, ये तो मुझे भी पता है. मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताई थी द मॉर्निंग वाज वेरी ब्राइट एंड सनी, ऐसे आपको अब टेंशन हो रही है एग्जाम की, बोर्ड के एग्जाम है 12th के. हाँ एट दैट डे आई वाज फियर्ड, आई वाज वेरी मच स्केयर्ड. Scared by the board exams due to board exams. Ma'am, my paper was done well, but I was scared. नहीं ऐसा नहीं लिखा, आपको अभी एग्जाम हुए नहीं है, अभी हो रहे हैं. आपको ये डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे होंगे, अच्छे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे. चलो बताओ कुछ क्या लिखोगे आप लोग. मैम जैसे कि टुडे मॉर्निंग आई वेक अप वेरी अर्ली बिकॉज आई वाज द फियर ऑफ द एग्जाम, सो आई हैव टू स्टडी. माय बोर्ड एग्जाम इज आफ्टर 1 month एंड आई हैव टू लर्न मेनी थिंग्स, सो आई वेक अप. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माय यस एंड माय father has made a tea and my mother helped me in the studies, and after early morning I go to the school, then I will come back, then I will go to the then I go to the tuition, then I will come, I come back and I do the studies. मैम पर बोर्ड एग्जाम होगी तो मैम क्यों कोई स्कूल जाएगा 1 month तक, उसको पता होगा ना 1 month से कोई कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन. रिवीजन के लिए आप जा सकते हो ना, कोई डाउट हो तो जा सकते हो स्कूल. यस कुछ भी रिवीजन भी हो रहा है तो भी जा सकते हैं ना. देन आई कम होम एंड आई गिव द एग्जाम एज अ टेस्ट. बस मैम मुझे इसके आगे बहुत सोचना पड़ेगा. हाँ ठीक है चलो बेटर. तो बाकी सबको आइडिया आ गया कि क्या लिखेंगे? हमें ये लिखना है, खुद से लिखना. हाँ खुद से लिखोगे ना. तो एक मैंने बता दिया, सेकंड आप ट्राई करो. मैंने बताया अगर आपको माइंड में कुछ सेंटेंस आ रहा है बट आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, देन आई कैन हेल्प यू. बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं है? वेदांत, दिया, कृष्ण, मानव, आंगी, अच्छा कोई आंसर भी नहीं दे रहा है. सबसे पूछ रहे हैं तो आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैम नो डाउट. नो मैम नो डाउट. नो डाउट. हाँ तो अगर कुछ डाउट होगा तो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑल.
वेदांत, दिया, कृष्ण? मैम नो डाउट. नो डाउट करेक्ट. मैं एक डाउट पूछना है मैम, जो हम डियर डायरी लिखते हैं उसके सब चीज नई लाइन से ही होती है ना, लीव लाइन करके? हाँ हाँ, उसके बाद न्यू लाइन. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैम यस मैम, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं एनएक्सटी का मतलब? मैम एंग्जायटी का मतलब बेचैनी, मतलब स्केयर, स्केरीनेस, एक टाइप की स्केयर, डर लगना, एक तरह से बेचैन होना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कितना पढ़े, कब तक पढ़े, तो समझ नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है, चैन नहीं पड़ रहा, शांति नहीं पड़ रही. ये आपने जो स्टूडेंट्स के नाम दिए वो 12th स्टैंडर्ड के कि 10th के? क्या 12th? किसी ने लिखा कुछ? हाँ मैम, मैंने लिखा ना थोड़ा बहुत. बोलो बोलो. टुडे आई वाज वेक अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock आफ्टर 15 डेज माय बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th वाज देयर. वेट वेट वेट, टुडे आई वोक अप. हाँ मैम वोक. हाँ वोक अप एट 5 o'clock देन. After 15 days, my board exam of 12th was there. फिर I was feeling so scared and feeling anxious. वो जो आपने कहा ना अभी, वो लिखा. तो ऐसा लिखेंगे, my board exams are after 15 days. My board exams are going to take place after 15 days. Okay. कितनी लाइन लिखनी है मैम? अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लाइन्स तो होनी चाहिए. You have written some, so should I tell what I have written? What? I have written something, so should I share what have I written? Yeah, sure. Who is this? Ma'am, Angi. Yes, Angi. Yes, ma'am. My examination starts after 15 days and I am a bit scared. The thing is not difficult, but I am so anxious. Yes. And she shares these days, and because of board exams tension, I woke up early today. Yeah, that's nice. I woke up early today. Then further your writing? Yes, ma'am. Okay. Vyom Vedant, can you share what have you written? Vyom Vedant.
Vyom and Vedant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, can you please share what have you written till now? Yes, ma'am. I wake up early. Who is this? First of all, tell me your name. Vedant, okay. Yes, Vedant. I wake up early in the morning. I woke up. I woke up early in the morning for my board exam study. Because my 12th board exams are going to take place after 15 days. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लो वॉइस में बोल रहे हो और बहुत थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है. सी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि माय एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, बट स्टिल टुडे व्हेन आई वोक अप आई फेल्ट वेरी नेगेटिव एंड वाज वेरी मच एंग्शियस वेदर आई विल बी गोइंग टू डू वेल और नॉट इन द एग्जाम्स. सो आई वेंट टू माय पेरेंट्स एंड told them my feelings about my exams. So my mother and father took one-on-one session with me. They calmed me down and they even told me that I am a good student, a sincere student. So definitely I'll be going to do well in the exams. On that very day, they even told me some meditation and yoga steps to calm my anxiety down. So this way you can write that much too. Ma'am, date or wo sab left side likhna hai sab. Kya? Sirf body right side likhni hai na, sab left side. Ma'am, can I share? Vyom. Body. तो आप कहीं बॉडी तो बीच में ही आएगी ना. यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मैं वो नहीं, डेट टाइम डे और डियर डायरी सब लेफ्ट साइड में ही आएगा ना. हाँ देखो, इट इज नॉट एक्चुअली इट इज नॉट काउंटेड एज दैट मच, बट वी यूजुअली राइट इट लेफ्ट साइड. ओके मैम, कैन आई शेयर फॉर्मल और इनफॉर्मल? यस, यू डू शेयर. Yes, ma'am. My dear diary, my examination starts tomorrow and I am kind of scared. Tomorrow is my first exam. Until my maths paper 1 and 2 are over, I won't be able to read properly. And I try to study, my eyes start closing. But I am sure I can overcome the stress and do pretty well in what I can say in my paper. Okay. So you yourself were sure that you will be going to do well, but in the question it is mentioning that you are feeling anxious. Okay, so where will you go to calm down? Okay, to take rest. Okay, so that one or two lines should also be mentioned. Rest all are okay. Anyone else who's going to share? No, ma'am, no doubt. Ma'am, random. Ma'am, random. दिया पटेल. दिया? यस मैम. दिया, यू कैन शेयर. ओके मैम. Dear Diary, today in the morning I woke up at 4 a.m. because my board exams will take place after 20 days and there was not too much time for it. So I woke up early in the morning for studies. I was in too fear and anxious about it. I feel too negative about it, so I go and tell my sister about my fear, and my sister support me and make me confident
that I definitely do well in my exams. I went to my sister. Okay. I went. One more word was there that should be used in past tense. Okay. Okay. Who else? Kevin. Kevin. मैम ये हमारी क्लास का नहीं है मैम केविन कौन केविन वो दूसरी तो कौन सी क्लास का है इफ इज देयर ही मस्ट बी दिस क्लास ओनली नहीं मैम वो शायद से गुजरात बोर्ड का नहीं है मैम केविन के घर पे कॉल करवाना पड़ेगा वो आंसर ही नहीं देता है पता नहीं क्लास में क्या करता है महावीर राज पुरोहित मैम ये सारे सीबीएसई वाले महावीर राज पुरोहित भी केविन एंड महावीर राज पुरोहित फाइन ओके देन नाउ तो नो वन लेफ्ट हाउ के आप बताओ कि आपको कुछ डाउट है तो बोलो और नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ दैट इज योर होमवर्क आपको डायरी लिखना होमवर्क में मैम यस मैम क्वेश्चन लिखा दो ना होमवर्क का हाँ वही तो लिखवा रही हूँ रिसेंटली मैम लिखो पास रिसेंटली इंडियन NRI बीच में मत बोलो फिर सब लोग डिस्टर्ब होते हैं यार मैं बोल रही हूँ समझ में आएगा डोंट डिस्टर्ब अदर्स रिसेंटली इंडियन NRI मिलियनेयर्स MILLIONAIRES 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 have been spending enormous 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 money on their sons or daughters' wedding. Enormous के बाद क्या है? Money on their sons or daughters' wedding. Make a diary entry about your opinion make a diary entry
about your opinion on such a show of money, such a show of money. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, okay, this was your homework. So I'm ending the session here. Bye, good day. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Ma'am? मैम निकल गए. मैम मैंने आपको स्पॉटलाइट वीडियो में डाल दिया है. यस सर, थैंक यू. आपको होस्ट बनाने का मैम, आप स्क्रीन शेयर करना है आपको. यस मैम, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑफ टेक्स्ट बुक. ओके, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ मैम. या श्योर. मैम हमको आज स्कूल में चैप्टर 3 चालू करवाया. चैप्टर 3? यस मैम. Okay, wait, beta. We have decided right in the previous session that we are going to start with the chapter number 8, cell. Because in almost all of the other schools, they are starting with that. Yes? So in, yes, beta, I'm not able to see you. Just keep all of you, please, your videos on, no? Who was that, beta? Chapter number 3 was that who told that chapter number 3 that who told that, Veda? Raise your hand so that I can unmute. Meet. Meet. Yes, Veda. So, second chapter it's done, Veda? Second chapter is done in your school? No, ma'am. First chapter is completed in our school and the third chapter is started. Okay, ma'am, so after first as, it's already after first as, it's directly third chapter, right? Yes, ma'am. Okay, and what about the other students, Veda? Ma'am, mera bhi same to same hi hai. First or third, kabhi third chal raha hai, first complete ho gaya aur second ko skip kiya hai. Okay, Meet and who was that? Kelvin. Yes, Kevin done. So what about Mahavir and Kathan? I can see you, Veda. Kevin. Yes, Kevin done. Okay. What about Mahavir? Yes, Veda. Yes, and Kathan? Ma'am, mere school mein toh abhi crop production chal raha hai. 13 chapter complete kiya. Ma'am, mera bhi crop production hi chal raha hai. Okay, fine. So, because like in a previous session, we decided that cell chapter we are going to start, right? Okay, because sound chapter was there, we are having that option. Light chapter was also there. Okay, we are not going to continue with the same part. Okay, whether it will be biology or physics. Fine. So your third chapter is how much portion they have completed in your school? Third chapter.
They have just started, right? Yes, ma'am. Okay. Let the other students come inside, okay? So that we can ask all of them. Okay. Yes, Meet. हाँ मैम मैं वही सोचा था कि कम बच्चे पे आई थिंक योर थर्ड चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ओके Okay, let's see. What about Yash? Yash, Rishti, Manjar? But right now in your school, what's going on? Whether it's physics, chemistry, or biology, which chapter is going on? Ma'am, it's chapter 8, cell. Cell. Okay. Kavya, what about you, Kavya? I'm chapter 1. Chapter 1, okay. Then Mahavir, you're done, right? Manjar? Rishti and Manjar, Siddhi. What about you, Beda? Yes, ma'am. Ma'am, my lecture, online classes started in 2 days now only, and today is holiday because of ma'am. Okay, I got it. Okay, fine. And what about Siddhi? Yes, ma'am, I am Siddhi. Only. Yes, Beda, okay, fine. So who left, Beda? Yash, what about you, Yash? Manjar and Yash. But please, all of you keep your videos on, no? I can't see any one of you. And it's like that I'm talking with your DPs. Ma'am, I have told you that my... Okay, fine. Okay, Beda, okay. And what about Jaini? Jaini, what about you, Beda? Which chapter is going on? Yes, Beda, you can unmute yourself. Ma'am, may I say Siddhi or? Sorry? Ma'am, may I say Siddhi? Siddhi? You want to say Siddhi? No, ma'am. I want to say my syllables which have started in Zydus. Okay, yes, you can. Of course you can. Because I think in a previous session, we have decided, right, that we are going to go with that cell chapter, right? So, if it's okay, if it's fine with your syllabus, then we can go ahead with that cell chapter, fine? Then we will take this third chapter, synthetic fiber, or we can take sound or light. Okay? Okay, ma'am. Fine, all of you? Confirm it once, Beta, in chat box or thumbs up. Yes. Okay, fine. So, we'll start with the cell chapter now without wasting our time, fine? We already started introduction part, right? So we are not going to just think about it. Fine. So can anyone tell me now what is that exactly? Daivik, what about you, Daivik? Ma'am, 8 chapter only. Cell. Okay, fine. Okay, we already started. So can anyone tell me what's the meaning of a basic fundamental unit of life? What is that? Ma'am, cell. Okay. So why we can say that it's a basic fundamental unit. Shaurya, unmute. Shaurya, please, all of you, keep your videos on, no? How many times should I repeat? Ma'am? Yes. Ma'am, because I have corona positive, corona positive, so I am not attend some lecture. So can you repeat that? Repetition, beta, sure, but at the time of revision that we can do. Fine, that is for sure. I can do that, revise that. But if we are going to start that once again here, then let me talk about those things, okay? But right now, we are going to start with this 8th chapter. Fine, Jaini. Definitely from my side, I will clear all those things, okay? That though whomsoever was... Yes, beta. Jai, just wait, okay? Give me a moment. Whomsoever were absent or were not able to attend or they are joining late, okay? I'm going to start... Just give a moment. First of all, my voice is clear. Am I audible? Yes. Okay. And second thing, your screen, it should be visible. Yes. Right? Yes, Zay. What's your question, Beta?
Ma'am, due to connectivity issue, I have joined now. So you can explain. You have explained before what? Okay, we have just started, beta. Okay, your time is 4:30, so we have just started, and I haven't explained anything. Fine. Okay, Jai. Okay, ma'am. Okay, beta. Fine. So we have started with a single cell structure. Fine. Single cell structure means what? Only one cell. Multicell means what? One cell organism. Yes. Multicell means what? More than one. More than one. Ma'am, more than one. Okay. So you know that. Fine. We will start with. Okay. This is your PDF, right? I'm able to see this one. It will take a little moment, okay, little time to get clear. Okay. Yes, after that, it will be clear. Don't worry if right now it's blur. If your connectivity is not good, so it will take a little bit time, okay, to upload this page. Fine. Now, discovery of the cell. Who did the discovery, right? So, the scientist who observed this cell, Robert Hooke, okay, under the microscope. Okay, now you know that micro word means what? Micro means that we cannot see something with the help of our naked eyes, right? So, we already learned what is cell. Okay, cell means it's a brick-like structure, right? And it's a fundamental unit to construct any of the living organism and which will perform various tasks or functions. Okay, so now Robert Hooke observed a slice of the cork, right? Now, what is this cork or rubber cork, you can say, is a part of the bark of the tree, one branch. And if you are going to slice it, slicing means if with the help of cutter, if you are going to slice your rubber, okay, that eraser. So you will see that slight thin slice of rubber will reduce, right? That slice. So he just took that slice and observed that under the microscope. Fine. Now, he noticed that there are some partition in between. Here you can see some holes and white color structure. Okay. What is that? He noticed that partition box or compartment in the cork. What was that? Nothing but the cell, okay? At the time, we were not aware about the detail, but yes, first time we discovered Robert Hooke, right? These boxes appear like honeycomb. You might have seen that honeycomb, right? Honeycomb, you see that some structure, yes, something ma'am. Hexagonal structure, right? If I would like to share it here. So, okay, just give me a moment. Better please mute yourself, ma'am, otherwise other students will not. Yes? Ma'am, your screen is visible, but it is very blur. It is blur. Okay. It will take little bit time, okay, to upload the page. You might have seen something like this, right? Hexagonal structure. What is that hexagonal structure? Of honeycomb. Okay. There will be one. Mesh of whole network, right? So you will see that this structure, okay? And we have seen one more structure in case of bricks, okay? If you want to construct something, you will see that bricks we are going to use, right? So that structure will be something like this. So why we are discussing this? Because you can compare it with the arrangement of the cell, right? Now, what we are going to see in this chapter, the different types of cells and their functions. Now, you already know that there are two types, multicell and single cell microorganisms, right? And what are the functions? You have already seen that different functions, right? Because we already see that in 7th standard digestive system, transportation and all.
so you know that what is the function, okay, what are the different functions that cell will perform, right? Now this box was separated from the other by wall partition. You know that inside your home there will be partition of the walls, right? To separate kitchen from the bathroom or bathroom from the hall, there will be one wall. So who coined the term called each box that as a cell? Okay, and that compartment, separate compartment, or you can say that the rooms, that we already given the name cell. Okay, who give that name as a cell? We cannot use it for compartment or rooms, right? In a living organism, we are going to call that cell. Now, Hooke observed that the boxes or cells in the cork were actually dead cells. Dead cells means what? Because cork, what is it, cork? One slice of that branch, okay? Or you can say that the bark, okay? Those cells were dead. How we can identify whether they are dead or living? With the help of microscope, but that we will see later on. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. Means primitive type of microscope, it was something like this. Okay, let's see if we are having that image of that first microscope. Okay, and right now we are using SEM-TEM microscope. Okay, means with the help of electrons, we can see something which is minute in structure, or you can say microscopic in structure. I'll show you if it's not here. Okay, don't worry. Now, the cell, basic structural units, or you can say that the basic fundamental units. Structural means what? If you want to construct any living structure means organ system, cells, okay, you will need what? Tissue. Then you will need what? Cells, right? The building, though, built of similar bricks, have different designs, shapes, and sizes. But brick will remain same. That we have already discussed. If you are having any question in that part, you can ask me. Okay? But yes, bricks will not use for the construction of a living thing, right? Living organism. So what is that? That we are going to construct it with? That is cell. So the arrangement of cell will be same like the arrangement of the brick, right? This is the picture or image of the brick, and this one is the image of the cell. Which cells? Onion peel cell. Now, what is onion peel? If you are going to remove that onion part, that first layer of onion, now you will see that transparent white color layer will come out. Okay? So, that is nothing but the onion peel, chilka. Fine? If you are going to observe it under the microscope, you will see that cells are arranged in this manner, brick-like structure. And there inside, you can see one hole-like structure. What is that? Spherical structure. That is your nucleus. Okay? It is something like we are having brain. Brain is going to be, what is brain? Okay, I'll give you one example. Okay, you might have already learned that in computer subject, right? What is that? You are having main server, which is already connected with the other computers. So main server, if it will be down, then all the other computers will not work, right? Same here. Cells are controlled by their nucleus, and brain will control all the other organs and organ system. Okay. Now, organisms will show you this different shell number, shape, and size. Okay. That we already discussed. Like, if we started from single cell and multicell, or unicell and multicell. Multiple means more than one, and uni means one. Okay, cellular word that is related to cell. Now, depending upon this, we can divide a different group of cells or organisms, okay, whether they are multicellular structure or unicellular structure. Fine? Okay, let's see it here. Very good example is amoeba, right? It's a single cell structure that you can see in your textbook. Are you able to see this one, Bada? Okay. Here, can you see any of the shape? Does it like a brick or cell, onion peel cell? No. Here you can see not a spherical structure,
rectangle or square or not even triangle, we cannot even assume, right? So here you can see this structure or this organism is shapeless, okay, without any shape. Second thing, it's only a single cell structure where you find out one nucleus and one cytoplasm. Okay. Now we need to understand what is there inside any of the cell. Okay, we need to understand that, no? Because we are going to start studying about this cell, how they are performing and what are their tasks. Okay, what exactly our cells are doing inside our body. Okay, so what are the tasks? So, to understand any of the advanced system, or you can say the multicellular system, before that we will understand the primitive type. मैम आपका वॉइस ठीक से मैम आपका वॉइस लो हो जा रहा है जब भी आप बोर्ड के पास जाते हैं ओके नाउ इट्स क्लियर प्रिमिटिव मींस व्हाट यस मैम ओके कैन एनीवन टेल मी वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव आई ऑलरेडी गिवन यू टू एग्जांपल व्हाट वाज दैट फर्स्ट वन वाज योर सिंपल टेलीफोन एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग smartphones, okay? We were able to just call anyone at that time, but right now we are able to see someone, okay? We can do so many activities with the help of that smartphones, right? So in this case, this amoeba is a primitive type of organism. How? Because everything, all the organs and systems, first of all, they are not having different organs and systems. If they want to perform digestion of food, they are going to do that in single cell, this cell only, right? If they want to reproduce, if they want to digest something, if they want to excrete something, everything will goes on inside this one cell. That's why they are known as primitive type. Single cellular. Correct, single cellular or unicellular. Primitive type of. Now for multicellular, we will take our example. We are having our heart for transportation. We are having our respiratory system for breathing in and out. We are having nervous system for sense, okay, different senses. And then we are having digestive system and the other all system, all the other systems, right? So all the other system, they are going to perform various tasks. Suppose digestive system will digest the food. Respiratory system will take that oxygen in and carbon dioxide out, right? And you know that exactly what it's doing, right? What is that? It will break down your food into energy. Simpler energy. Correct, right? Very good. So what will be there inside this single cell structure? So what do you expect? What will be there inside? Ma'am, nuclear or nucleus. Okay. It's nucleus, right? Nucleus. What's the meaning of it? Nucleus. The word ma'am, is it is the nucleus. Heart of the cell. Yes. Cytoplasm. Now, what is cytoplasm? That is important to understand. Okay, cytoplasm, cyto word and plasm. You might have heard about this plasm word, plasma. Okay, plasma. It's what? Plasma. RBC, WBC, and platelets that you already studied in 7th standard? Yes, ma'am. Components of blood. Okay. Very good. So now what is plasma? Yellow color structure. Okay. That you'll find out yellow color liquid structure. Fine. That will be there inside your blood. That is plasma. Fine. That is not the point. The point is that cytoplasm is jelly-like material which will hold all the other organelles inside the cell. It's something like if you are having pizza and now consider there will be what if you are going to add some toppings without any pizza base or sauce, what will happen? All the toppings, toppings means your vegetables, veggies, okay, veggies, olives and mushroom and all. If directly you are going to put it over the surface of the base, what will happen? It might get disturbed. So what we are doing, we are spreading the sauce, pizza base, right? And the cheese, so that it will hold it together. Okay, your veggies will not just move here and there. Same manner, here you will see that inside
this cell jelly-like material is present. And what is that? Cytoplasm. And what's the function of cytoplasm? It will hold up all the other organelles. Organelles means what? Can anyone tell me what's the meaning of organelles? Organs, you already know. Organ system, you already know. What's the meaning of organelles? Okay, I'll give you one example. Nucleus. Is that an example of organelle? Is that an example of organelle? Everything inside your cell. Hello? Everything inside your cell is organelle or not? Yes, ma'am. So what is cytoplasm? Cytoplasm is jelly-like material which will hold all the other organelles, okay? You might have learned about the mitochondria, ribosomes, nucleus, then Golgi body, okay? Or you can say the Golgi apparatus. Okay, what are those? Those are nothing but the organelles. Now, you will see that we will take that example, okay, to understand this primitive type of organelles, that how this amoeba will digest the food and will excrete the waste material, okay, but not right now. Now you are aware about it, what is there inside the single cell structure of amoeba, okay? First of all, what is the main characteristic? There is absence of any specific shape, okay? There you will not find out any brick shape structure like this. Fine, it's in irregular shape. Can you say that it's in an irregular shape? Yes, ma'am, because it does not have a flexible rubber. It can change the shape of it. Perfect. Means it's something like, can we say that it's like... Ma'am, jelly. Jelly. Okay. But in jelly, you still find out the firm shape, no? Okay? But here you can see... Water. Suppose consider here we cannot see any hand or leg, right? Can you see it here? We are having hands and legs, okay, to hold something, to walk. But here you will not find out any hand or leg. So how they are moving? So that's why by the help of the pseudopodia. Correct. That's why they are having this irregular shape, okay? Irregular. Why irregular? Because at the moment, any of the body part can be hand or leg. I'll show you how. Now consider this amoeba. Okay, now consider this amoeba wants to move in this direction. Right? So what it's going to do, it's going to start forwarding this appendages. Appendages means part of the body. Okay? And we are going to call them pseudopodia. Pseudo means false. Man, false fit. Pseudo. Pseudo means ma'am, podia means... Or you can say that false. Ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am, your voice is not coming. Yes, beta, I'm here only. Okay? Now it's clear? Yes, ma'am. So, pseudo means false. Or you can say that false or not the true one. Okay? Right now, this part is acting as a leg. And it's moving in this direction. But what's the destination? Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not. What about the other students? Is it clear? Yes. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, I'm explaining. John Roger. Yes? Ma'am, I'm free. John Roger. मैम नाउ इट इज क्योंकि मैम ऐसा हो रहा है कि आप जब बोलते हो ना तो बट आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा ओनली ओके आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओनली बट द ओनली थिंग इज दैट
all of you are having a different connection. Okay, so it may be possible it will take a little bit time just to reach this particular, you know, session. नहीं मैम ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपकी audio है ना आपको settings में जाके आपकी audio बढ़ानी पड़ेगी mic की voice इसलिए. Thank you so much. Thank you. It's already 100 beta. If you want to see that, it's already 100. But let's see if still you are facing it. Okay, let me know still if you are facing the same thing. No, ma'am, now it is clear. Okay, pseudo means false, fine? Or you can say it's not the true one. Podia means it's something like feet or one appendage which will help, one appendage which will help this particular organism to walk or move in the further direction because they are not having their legs. Fine. So pseudopodia. Podia means feet. Fine. Pseudo plus podia means false feet. It will not stay there for a longer period. It will change. Okay. We have called them pseudopodia. Fine. I'll give you one more example to understand that. How? Some considerable stamina wants to eat some. Voice low, ma'am. Ma'am, ma'am, bahut low hai. Yes, ma'am. मैम यस मैम मैम मैं मीट बोल रहा हूँ ओके बोलो बेटा मैम आपके वहाँ पे जहाँ पे माइक का ऑप्शन है ना वहाँ पे एक और एरो का भी ऑप्शन होगा वहाँ पे है ना आप जब टैप करोगे ना तो आप ऑडियो सेटिंग्स का भी आएगा उसमें आप देखोगे ना तो लास्ट वो जो माइक्रोफोन में है ना वॉल्यूम का आएगा तो उसको वो शायद फुल नहीं होगा थैंक्स मीट Yes. You are not audible, beta. Ma'am, he is telling that aap rejoin ho jao. No, itse koi farak nahi pad jayega. Okay, are you getting it? That is not an issue, beta. Just wait for a while. My all the settings are already done. Okay, I already made that those settings. And But you can mute yourself till then. Okay, are you able to listen? Ma'am, sunai nahi de raha. Ah, but I'm not saying a single word. So how? Okay, fine. Is this ringtone clear? Now, what about this sound? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Good. Great. Okay. Fine. So that's it that I would like to show you right now. We will see that ingestion of food inside amoeba. Ma'am, sunai nahi de raha. Right now. Beta, that's why I'm saying that please don't unmute yourself. In between, if one of you are going to do that, no, you will be not able to listen any of that voice from my side. Yes, is that clear? Is that clear now? At least show me your thumbs up so that I can decide. Yes, ma'am, now you are audible. ओके थैंक यू मैम एक्चुअली है ना मैंने वो जो जहाँ पे आपने फुल वॉल्यूम किया ना वहाँ पे मैंने पूरा स्लो जीरो कर दिया इसलिए वेरी गुड
Great. Anyone else, beta? Anyone else who is facing the same issue? No, ma'am. Because I am having 101% connectivity is 101%, more than 100 actually. So 100 Mbps is more than enough to connect with you guys, okay? Second thing, my voice is like 100 already. Audio setting, it's already done, okay? So still, if you are facing something, then we should consider that we are having some problem with Zoom or with your connectivity issue, okay? Fine. And now I'm sharing the screen. After this, we are having another example, and that is a sleeper-like structure, okay? You might have seen that the shape of our sleepers, it's something like this. Are you able to see the screen? Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. One of you? Yes, okay, ma'am. Thank you, beta. Thank you. Okay, so it's something like sleeper. Here also you can see there is one dark, dense-shaped structure. What is the dense-shaped structure? Dark, granular and dense-shaped structure, that is nothing but nucleus, right? And you will see that. Yes, beta, what happened? No, ma'am. Don't do that in between, huh? Meet. Okay, this dense-shaped structure is covered with a jelly-like material, that is cytoplasm. So what we can conclude that whether it's your amoeba or this paramecium, okay? The name of this organism, that is paramecium, you will see what is common: nucleus, dense granular structure, and cytoplasm. That you will find out here in amoeba as well as in paramecium. But what is the difference here that you can see the structure of paramecium? That we will see. Structure, the structure is something like this, okay? But what you can find it out, what is different is, okay, this. Okay, what is this structure that we need to understand? Otherwise, cytoplasm, nucleus, all the other things will remain same. Now, the structure will be helpful for them for the locomotion. Now, what is locomotion? Locomotory organ. What's the meaning of locomotory organ? It can move with the help of that locomotory organ. Okay, here you can see they are having one hair-like structure. Hair-like structure that is present on the boundary of the cell. I haven't introduced one word, cell membrane or cell wall, because you already studied that in 7th standard, right? What is that? Cell is covered by one membrane that is known as cell membrane. But in case of plants, you will see there is presence of cell membrane and cell wall, right? Why? Because plants cannot move, right? So to protect their cells from the harsh condition of environment, they are having two wall system. Means you can say they are having two protective layers around the cell, okay? Do I need to mention or do I need to draw the structure of plant cell wall? Yes? Ma'am, draw. Yes, beta.
what can you see it here? You can see that outside there is presence of cell wall and inside it's presence of cell membrane. Okay, cell wall, why cell wall is there? Cell wall is thick structure. So that something like right now we are sitting inside one room and that room, that wall is protecting us from this sunlight, monsoon season or winter, right? In a similar manner, because plants cannot move, whether it's winter, monsoon or summer season, they are already having one protecting shade or layer that is known as cell wall. And that will be followed by inside cell membrane. Okay, cell membrane. So they are having two protecting layers. But in our case, we are only having, directly we are having cell membrane, which will cover and bound all the cell organelles and cytoplasm inside. Clear? Yes or no? So that we will come back to that point of paramecium. Okay? Now we'll come back to that point of paramecium because they are not having pseudopodia. Fine. So how they are going to move? They are not having hands and legs. They are not having pseudopodia. So in case of paramecium, varieties, see what we are discussing right now, different types of organism, and those are single cell, first of all. And we are discussing their specific unique features, or you can say that the characteristics, fine? So we have seen that in case of amoeba, that they are having pseudopodia. Pseudopodia means false feet, okay? Now, in case of paramecium, here you can see what is this cilia-like structure, hair-like structure, okay? So this cilia will help them out to move from one place to another place, okay? And that is the locomotory organ. Now, what's the meaning of locomotion? Locomotion means to locate something with the help of that specific motion. Here it was done by pseudopodia and here it will be done by this hair-like structure, okay? Now I will share one video to clarify it in detail. Okay, let me know the screen is visible or not, okay? And the voice, one of you only, please, okay? Ma'am, it's visible and your voice is also clear. Thank you so much. Thank you. But, okay, the screen is visible? I'm opening the cell structure video, right? Yes, ma'am. Okay, thank you. Welcome to the lesson on introduction to cells. Discovery of the cell. Jump into the main part. I am cello. This is exactly how that microscope will look. Okay, there will be one this eyepiece that will be followed by one more lens. Now you know that what are the different lenses and what it will do, right? And there will be one more lens or mirror. Lens, okay. Lens. Here you are going to put one sample. Suppose if you want to see the chick cells means inside the inner lining of the chicks that you can remove. That I'll show you the experiment how to do that, okay? Or else you can take the onion peel. Fine. On the glass size, yes. Slide we are going to prepare that and we are going to see it. Don't worry, I'll show that experiment. But after that, if you are going to see that, you can see something. I represent a cell, the building block of life. Your brother is doing some research about us. I don't understand. How do you call yourself the building block of life? Tell me, what is your house made of? It's made of bricks, of course. So you can say that bricks are the building blocks of your house. Right. The same way, cells are the building blocks for your body. So, in technical terms, a cell
is the structural and functional unit of all living organisms. Okay, structural and functional, both the words are different, huh? Structural means it will form the structure of your body. Functional means function, different function performed by the cells only. Every living organism, however big or small, is made up of tiny units called cells. Similar kinds of cells together form tissues. Tissue that we have already discussed, a group of cell, okay, that is known as tissue, but it should be similar type. Similar type means what? If some of the cells, reproductive cells are there and digestive cells are there, both of them cannot produce the same type of tissue, okay? But if digestive cells will, if the group of digestive cell will be there, then we can say that is the tissue of digestive system. Use aggregate to form organs. Organs aggregate to form an organ system. For example, epithelia, muscular, and granular are some of the tissues that form the stomach, which is an organ. Okay, now what is this epithelial or muscular? See, for muscular, we are having a very good example, heart. Because our heart structure is muscular. If it's not muscular, then what will happen? It cannot easily contract and relax. Okay, so what we are discussing right now? Different types of cells present in different types of organs and system, right? Glandular cells means it's going to secrete some, suppose if we'll take example of sweat gland, okay, it will secrete the sweat, or we have discussed that sebaceous gland, it will secrete the oil on the surface of our body, right? You know that in some season we will find it out, our face is little bit oily. So who is going to secrete that oil? Glandular cell, sebaceous gland, okay? So this is the type of glandular tissue, this is muscular one, and this is epithelial. Epithelial means on the lining of any organs, you'll find out that epithelial tissue. Tissue is nothing but same types of cell. Here you can see 1, 2, 3, 4 cells, okay? This number of cells, they are forming this epithelial tissue. But here you can see muscular cells are different than this epithelial one, right? And also glandular one. Fine. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Thank you. Organs like the stomach and the intestine in turn form the digestive system. Many organ systems together form an organism. For example, the bodies of human beings consist of digestive system, excretory system, respiratory system, integumentary system, and lymphatic system. Integumentary system means that the base of our skin, or you can say that it will relate to our dermatology. Dermato means skin, wow, scalp. From such a tiny unit to such complex organism. This image should be there in your mind that you have to, pose. So here you can say this is single cell. Same group of cell will form the tissue. And this tissues will contain, it will form simple organs, and then those organs will form the whole system. Okay? And that's why your cell is a basic construction. We cannot use the constructional one. We can use the structural and functional unit. Okay? This is the answer for that question. As Victor tries to grasp the importance of a cell in living beings with Cello, we can try answering a few quiz questions. If you are the building block of all organisms, how come I've never noticed you around before? That's because I'm generally so small that I can't be seen with the naked eye. We met today because you managed a peek through your brother's microscope. A microscope magnifies the objects so that you can see even the tiny ones clearly. With the help of a microscope, an English scientist, Robert Hooke, first discovered the existence of... Okay, this one was the primitive type of microscope, okay? There, you will not find out there's a separate eyepiece or there is a one stand where you can put your sample, okay? But this is the primitive, the first type of microscope prepared by or discovered by Robert Hooke. ...of cells in 1665. So before that, no one had been able to examine a cell?
Right. Even Robert Hooke wasn't really able to see samples of living cells. He discovered cells by examining slices of cork from the bark of a tree and observing it under the magnifying lens. He was able to see partitioned boxes. He named these boxes cells, since it resembled the cells in which monks lived. In fact, after Robert Hooke, the research on cells had to wait for a long time. This is the evolution, you can say. Why evolution? Because this one was the first type of microscope. And right now we are having advanced type of microscopes. We can observe the tiniest or microscopic structure with the help of this instrument. Of improved microscopes. Can you tell me about the improved microscopes? Yeah, sure. Improved microscopes include compound microscope, dissection microscope, scanning electron microscope, SEM. I was talking about this only, okay? Scanning and transmission electron microscope means, you know that in electricity, what is flowing on? Electricity, what means? Electrons are moving, right? So the same manner, we are going to use these electrons to see the minute or the microscopic world, okay? The whole world of the microscopic organisms, cells, tissues, and everything, right? Even you can see the objects, those who are not living. And transmission electron microscope, TEM. Compound microscopes are used in laboratories to view a wide range of plant and animal specimens. So what I have here is a compound microscope? Yes. Dissection microscopes are used in laboratories where the observed specimen needs to be cut and viewed. Dissection microscopes nowadays, they are not that much common. Compound microscope is common, okay? In laboratories, we are using compound microscope. What about electron microscopes? Scanning electron microscopes are used to examine the external parts of various organisms. For example, the surface structure of microorganisms like bacteria can be observed through a scanning electron microscope. The transmission electron microscope is used to view cells in further detail. For example, the internal structure of a cell, like the structure of the cell organelles, can be viewed. Okay, so transmission microscope and scanning. Scanning means we are going to scan something from the upper side. Means it's something like if you are going for that any of that flight, right? If you are taking any flight. So your luggage, they are going to scan. Okay. Internally, if you want to see something, what is there inside, then we are going to use transmission electron microscope. Fine? In detail. Using this microscope. Let Victor explore the types of microscopes. In the meantime, we have a small quiz for you. So how many cells does an organism have? Well, it depends on the organism that you are referring to. There are some organisms that are made of a single cell and some that consist of trillions of cells. Trillions of cells? That's right. Organisms that are made up of more than one cell are called multicellular organisms. For example, a banyan tree or an animal like a dog has trillions of cells. These organisms require a large number of cells to run their complex systems. On the other hand, organisms with a single cell are known as unicellular organisms. For example, look at the specimen of amoeba and paramecium. The bodies of these organisms are made up of a single cell. Do organisms with a single cell perform all the activities in the same way as multicellular organisms do? This is the same question that we have discussed, okay? Sure, they do. The single cell in these organisms is built in such a way that it performs all its vital activities, like reproduction, locomotion, digestion, and so on. Okay, locomotion means to move, okay?
locate ourselves with the help of motion, right? Locomotion. Digestion, you know that reproduction means they are going to generate the same species, okay? They are going to generate the same organism just like them, another amoeba. If they cannot, then you know that their species cannot survive, okay? And the same, it will be in case of paramecium. But here you will see the difference. Difficult to believe that this one cell can perform all these activities. Wonder how they do it. Well, take the amoeba for example. It changes its shape to move and eat its prey. Look at this slide now. See those tiny projections on the amoeba? These are called pseudopodia. Pseudopodia? Pseudopodia mean false feet. An amoeba engulfs the prey with its pseudopodia and then digests it. Thus, it uses these small projections for locomotion and to capture prey. And are these the real colors of the cells? Well, no. The color that you observe under the microscope is due to the stain that is used while preparing the glass slides. Glass slides means nothing but it's a glass, simple glass of rectangle shape, okay? And it will be transparent one. Why we are using this slide? So that we can see our specimen. If it will be not transparent inside your microscope, you will see that some other colors or it's made up of yellow color or pink color. So you will see that color. So it should be transparent one because on that slide, we are going to put our specimen. Now, what's the meaning of specimen? If you want to see onion pill, so onion pill is your specimen. Okay, specimen means the organism, tissue or cell that you want to observe under microscope, right? Now, we are going to use different dyes, stains and liquid. Why? Because otherwise, what will happen? Your specimen will become dry. It will dry out. If it will dry out, then easily we cannot see that under microscope. Okay, so we are going to stain it. Staining means what? That we are going to give a specific color. So some of the organelles will absorb that color. It's something like your sponge. Okay, if you are going to put sponge, okay, on the floor, that water is already spilled and you are going to put this sponge over that water. What will happen? This sponge will absorb the water. In a similar manner, some of the organelles present inside the cell will absorb this color. Okay, under microscope so that you can identify or discriminate between those organelles. Okay. A slide. Stains are used to color parts of a cell so that they can be differentiated from other parts. Let us leave Victor to explore more about staining of slides using different stains. This amoeba seems to have no real shape at all. Are all cells shaped like that? Well, no. Cells are of many different shapes. The shape of a cell depends on the function that it performs. Cells can be spherical, round, elongated. Okay, that was about that single cell or single cellular organism, what they are going to do and how they are performing. Still, I haven't mentioned the digestion and excretion in amoeba. Okay, that I'll show you. But before that, now we will discuss that what are the different types or the shapes, okay, of these cells. Fine, we will take four different examples from the different system. Okay, you might have heard about the WBC, RBC, red blood cell. Okay, you might have heard about the digestive cell, nerve cell. So we are going to check that they are having different shapes. Okay, and why they are having different shapes? Because they have to perform various tasks. Okay, if I'll give you one example to understand that, nerve cell is a very good example. Because what is the function of nerve cell? What is the function of nerve cell? Anyone? I'm hoping that you are there. Huh? Function of nerve cell.
Nervous system, you know that, right? We have discussed what's the meaning of nervous system. Nervous system means it can sense our five sensory organs. Okay, eyes. Suppose one example. Right now, if you are having Karela juice, what will happen with your tongue? Ma'am, kadwa lagega. It will be bitter, that you can sense, right? But if I'll give you mango juice, then it will be yummier one, right? Because your which glands are there inside your tongue? What is present inside in that particular tongue? Muscular organ? Taste buds. That's why you can identify different tastes, you know. Agar chocolate aa gayi, then it will be best one. But agar galti se, kya aa gaya? Karela, then it will be the worst one. Hai na? Because we can identify that taste, right? So the point is that yes, beta, just wait, okay? Yes, I'm going to wind it up. Okay. Point is that different cells, they are performing their own functions. So for taste buds, they are having what function? They are going to perform to identify different taste. In the similar manner, nerve cells. What is the function of nerve cell? To sense something. First of all, sense something. Okay, like in case of taste, right? Second is hear. Then see something, smell something, right? You know that, okay? If you are passing from any of that particular street and if they are preparing Chinese, bahut jaldi, quickly samajh mein aa jata hai ki yahan pe kahin Chinese ban raha hai, Maggie. Baju ke ghar mein Maggie ban rahi hai, jaldi se samajh mein aa jata hai. What is that? Who is doing that inside our body? Your nervous system. फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज समथिंग लाइक इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर एंड वन इज नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इफ यू आर गोइंग टू पुट देम टुगेदर इफ यू आर गोइंग टू टच देम while that electricity is passing through it, what will happen? You will see the spark, okay? And once you are going to remove it, that spark will be not there. So nerve cells are contacting each other with the help of this spark. First message will pass on to the second nerve cell. This second cell will pass on that message to third, fourth. And that will happen within the, you can imagine, okay? Seconds, within few seconds only this message will pass on further, not even second, not even half a second. Okay, so that we will discuss in nervous system, but right now we have to stop our session here. Before that, we are having 2 minutes. If you are having any question, or usse bhi pehle, if you are feeling that we are going in hurry or if we are doing something like too fast, then you can let me know. I will repeat that once again. Fine. Yes, beta. Any question? First thing that we are going to see in next session, that is digestion and excretion in amoeba. Okay? And then later on, we will see the other topics. No questions? Sure. Kavya, Joy, those who are keeping their videos off. No, ma'am. Okay. No, you might have received a worksheet. No, beta, worksheet of first chapter, right? Yes. Okay. So start writing it properly. Fine. And we are going to check it. Separate book. And we are going to, reply that after once you complete that worksheet and all. Okay. You are having that PDF. You are having? Yes, beta. Yes, ma'am. You are having that PDF and you are having that worksheet, right? Yes. Yes. Ma'am, we have to make separate book for worksheet. Yes, then it will be good, right? Because all the chapters will be there inside that one book. So it will be a good idea. Okay, ma'am. Fine. Any question from your side? No, ma'am. Sure. Now am I audible? Yes, you can. Sure, next time onwards, what you are going to do? All of us, okay? All of us. If I'm not okay, you are going to remind me. And if you are not okay, I'm going to remind you. I know. That's why I'm asking all the time. First of all, my screen is visible. My voice is clear. Okay?
फाइन मैम, मैंने तो नेट ही चेक कर लिया था, मेरा नेट स्पीड 30 Mbps अराउंड थी. 30 Mbps, इट्स क्वाइट ओके. ओके इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क. 30 इज मोर देन इनफ. ओके यस फाइन देन बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड स्टार्ट राइटिंग योर वर्कशीट. ओके मैम, हमारी मैथ्स का क्लास है. ओके फाइन, लेट मी सी इफ मैम इज देयर. नो मैम, आई एम जस्ट मेकिंग यू होस्ट. यस सोनिया मैम, ओके आई एम गोइंग टू मेक दारा पटेल. बेटा हु इज दिस दारा पटेल? मैम घुमा ब्रांच की हेड है. ओके थैंक यू दारा मैम. दिस एस इट्स ओके, आई एम मेकिंग यू होस्ट. मीत क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरे को वो अपशीट मिल गई नहीं? मिल गई, थैंक यू. मैम आए मीत? नहीं आए.
हेलो मैम, देख रहे हैं ना भाई। मैम बोलो कथन। मैम आज हम लोग रैशनल नंबर की प्रैक्टिस करें क्योंकि मुझे फ्राइडे उसकी टेस्ट है। रैशनल नंबर एक मिनट। इधर जो होस्ट है वो मेरे को बना दो ना, इधर जो भी होस्ट है इस मीटिंग का वो मेरे को होस्ट बना दो। मैम संदीप सर मैम संदीप सर होस्ट है। संदीप सर नहीं पर वो ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है। गुड इवनिंग मैम। शिवाली मैम होमवर्क डन। शिवाली मैम स्टूडेंट्स बेटा एक बार हम लोग फटाफट मीटिंग एंड करके वापस से रिजॉइन हो जाते हैं ठीक है। ये होस्ट कौन है मैम? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ वापस से मीटिंग एंड करके वापस ज्वाइन हो जाते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। मैम संदीप सर। संदीप सर नहीं है बेटा, कोई और उनके नाम से एंटर हुआ है। ठीक है बेटा सब लोग रीजॉइन हो जाओ, सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ। ओके शिवाली मैम आपको होस्ट बना दिया मैंने। यू आर द होस्ट नाउ। ओके सो आई विल राइट सम सम्स। इसमें तुम्हें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, यू जस्ट हैव टू टेल द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है सबको क्वेश्चन लिखने हैं मैं नोटबुक में। फर्स्ट चैप्टर 7/11 3/5 आंसर तो अपने नोटबुक में लिखना है, किसी को चिल्ला के आंसर बोलना नहीं है। राइट डाउन इन योर नोटबुक। कौन दी
name of your property? मैम क्वेश्चन लिखना है हमें लिखना ही You have to name the properties used. First property, -7/11, -3/5, -3/5, -7/11. कौन सी property है बड़ा ये? दो नंबर ही है सिर्फ 7/11 3/5 7/11 So this is commutative property of multiplication. You have to write commutative. वो भी लिखना पड़ेगा. हाँ पूरा multiplication लिखना है. क्योंकि ये multiplication की है. Multiplication का है बीच में. So this is commutative property of multiplication. Commutative property of multiplication. Okay, like this: A into B, B into A. C. C नहीं बेटा. C में आता है associative. This is A into B, B into A. ये commutative property होती है. तुम उसका कोई भी order change करो, answer में कोई change नहीं होगा. ये सिर्फ addition और multiplication में ही होती है बस. एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में ही होती है ये प्रॉपर्टी तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू विल राइट दैट सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कभी भी बेटा दो डिफरेंट साइंस नहीं होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है मल्टीप्लाई तो पूरा मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एडिशन तो एडिशन ही होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लाई तो पूरा मल्टीप्लाई सिर्फ ब्रैकेट होंगे बस और एडिशन में है तो एडिशन कोई तीसरी दूसरी साइन नहीं होगी उसमें सिर्फ ब्रैकेट में ही फर्क पड़ता है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सी साइन का सेम
प्लस है तो पूरा प्लस ही है, कोई दूसरी साइन नहीं दिख रही है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई है। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव आएगी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैम आपकी आवाज लो है, आपकी आवाज लो। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है बेटा कि मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, दो साइंस आती है, दो साइंस। देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन दो साइंस आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका? नंबर का, 2/3 का। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसमें से प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई और प्लस में ही होती है प्रॉपर्टी। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है सारी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी और कम्यूटेटिव भी, सब तीनों की तीनों ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ इसको बोलेंगे क्या, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ इतना नहीं लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले आया मल्टीप्लीकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। मैम ये तो फाइनल है कि ये एसोसिएटिव ही हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मैम ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। रोल ऑफ जीरो, दो चीज बेटा, दो इधर दो चीज है। One is commutative property. One is commutative property. बेटा देखो इधर देखो, ऐसा equals to and equals to है, right? तो सबसे पहले तो लिखोगे इधर दो properties आ रही है, ध्यान देना इधर। एक आई commutative property, ये commutative है, ये roll of zero नहीं है, this is commutative. 2/7 plus 0, 2/7, 0 plus 2/7, this is commutative, ये दोनों। और फिर उसका आंसर ये जो आया, this is roll of 0. तो इधर दो प्रॉपर्टी है बेटा, ये दोनों को अगर देखोगे, this two, this is commutative property of addition, and second is roll of 0 या identity of इसके लिए एमसीक्यू में बोलो कुछ भी पूछ सकते हैं, रोल ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, एनीथिंग, ऑल आर सेम थिंग। आइडेंटिटी को कैसे मान लेगा, आइडेंटिटी मतलब मिरर, अपने कांच के आगे खड़े होते हैं तो क्या दिखता है अपने को, खुद को, मिरर के सामने खड़े तो हमारी खुद की इमेज दिखती है हमको, तो दैट इज ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। मिरर तो होता है जीरो, एडिशन में होता है जीरो, जीरो ऐड करो नंबर में, नंबर खुद ही वापस आंसर आएगा। और मल्टीप्लीकेशन में होता है वन, वन आ जाता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, वो ध्यान रखना है, जीरो, रोल ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैम ये रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी कौन दिया है मुझे आर एस अग्रवाल में, तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी किस किसका दूसरा नाम है, कौन सी प्रॉपर्टी? रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी ये इसी को बोलते हैं। तुम्हें इसमें जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है वो तुम्हें प्रॉपरली उसमें क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का नेम लिख देना है जो भी दिया है। क्वेश्चन नहीं, नहीं, नहीं। फोटो खींच के भेज दो व्हाट्सएप में। मैम क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में से कि यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम,
अरे बेटा वो तो अलग चीज है, वो तो कैसे ये नहीं है, वो तो फिर उसमें क्या करना है कि तुम्हें प्रॉपर्टी तुम्हारा 1.1 में जो क्वेश्चन 1 है दैट इज प्रॉपर्टी में अरेंज करके मतलब कम्यूटेटिव वालों को साथ में लिख के फिर उसको सॉल्व करना है जो फर्स्ट मैं करवा आपकी ठीक है बेटा सबको आ गया ये ओके अब मेरे सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रैशनल नंबर्स को अरेंज करना आता है यस अच्छा हाँ एसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना आता है बेटा सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके करते हैं ना यस मैम हाँ हाँ होता है तो अब मैं कुछ सम दे रही हूँ यू हैव टू सॉल्व दैट नंबर लाइन भी देख लेंगे वो भी इम्पोर्टेंट ही है नंबर लाइन हाँ मैं वो नंबर लाइन में 3 1/2 हो तो 3 और 2 के बीच में आएगा वो या 1 और 2 के बीच में आएगा नहीं यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी आल्सो नेम द प्रॉपर्टी मैम ये होमवर्क है नहीं बेटा अभी तो लेक्चर चालू हुआ है अभी होमवर्क मिल रहा है एक मिनट पेन ऑन कर ये सॉल्व करना है बेटा अभी सबको मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव फिर से वही मिस्टेक जो अभी मैंने बोली मैम फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है ये तुमको एसोसिएटिव मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मैम डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है यू कैन सी टू साइंस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो साइंस है इधर दो ऑपरेशंस हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एडिशन हो रहा तो हाफ दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों ब्रैकेट में ऐसा कोई नंबर है जो तुमको सेम दिख रहा हो इन बोथ द ब्रैकेट्स 1/2 मैम 1/2 ब्रैकेट में क्या आया यहाँ पे बचा 1/4 प्लस यहाँ बचा 6 अब इसे सॉल्व कर दो सो यू विल गेट आंसर एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सेकेंड में कौन सी प्रॉपर्टी है मैम सेकंड में डाउट है सेकंड में बोलो सेम बेटा टू साइंस है दो साइंस मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन चलो कर दो फटाफट सॉल्व मैम डन हो गया कथन बेटा आगे आंसर बोलो मेरे को फर्स्ट का आंसर क्या है फर्स्ट का आंसर क्या है मेरा फर्स्ट का आंसर है एक मिनट कट कर रहा हूँ हाँ वही हाँ वही कर रहा हाँ तो मैम यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे ना हम तो आ जाएगा 24 ऊपर आ जाएगा वापस 6 आ जाएगा वो 6 का 24 हो जाएगा बड़ा 24 का 25 उसे मल्टीप्लाई कर दो 25 का एक आंसर आएगा हाँ वही आ रहा है वही आ रहा है सेकंड मैम सेकंड का आंसर मेरा आ रहा है -51/210 बेटा सॉल्व करनी है यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बाहर मल्टीप्लाई में है दिख रहा है ये नंबर हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे प्रसन्न मिलती है ना मंदिर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट होती है सबको डिस्ट्रीब्यूट
अच्छा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हें ऐसे इसी नंबर को किसको 3/5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब दोनों के साथ तो मैम ये करेंगे ना तो हमें 3/9 -9 और 5/7 = 35 और इधर आएगा -5 और 5 तो कट हो जाएगा तो 3/6 आएगा। 5/5 = 3/1 = 2 अब तो 2 में क्या ऐड करेंगे, मैं क्या ऐड करता हूं मैम, फाइनल आंसर 17/17। तो तुम्हें एलसीएम ही लेना पड़ेगा 35 और 2 का। हाँ। मैम फाइनल आंसर इज 17/70। आज मीत वीडियो ऑफ करके बैठा है। होमवर्क के बारे में पूछो। मैम मीत आज आपका मीत आज वीडियो ऑफ करके बैठा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना आ गया ना, कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना आ गया। अभी क्या नंबर लाइन बता दूं? हाँ नंबर लाइन, नंबर लाइन मैम, नंबर लाइन में अगर 3/3 1/2 हो तो 2 और 3 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है। हाँ एक तुम्हारा ये सूटेबल रीअरेंजमेंट वाला जो था वो देखो। सूटेबल रीअरेंजमेंट इसमें बोला है यूज सूटेबल रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द सम। सूटेबल रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द सम। सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम है ना उनको साथ में लिखो। मेरे को लग हाँ तो हम 3/7 एंड 4/7 और 4/7 और -4/9 और -13 है। और यहाँ पे लिखना है क्या यूज किया था तुमने, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी, कम्युटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी। जैसे ये तीन था तो तुमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया कम्युटेटिव। यहाँ पे इसमें तुमने कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी, ये इंटरचेंज हो गया। देखो 3/7 इधर और 4/9 इधर आ गया। तो वी हैव यूज्ड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो दो चीजें की खाली ध्यान रखनी है नंबर लाइन में। फर्स्ट जो तुमको फ्रैक्शन दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक पहले ये चेक कर देना है। नंबर जो भी दिया है फ्रैक्शन वो कुछ भी हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर प्रॉपर कुछ भी, जो भी फ्रैक्शन दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे वन। अगर पॉजिटिव नंबर जैसे पाई बाई थ्री है, ठीक है, तो जीरो इधर आएगा और उसके आगे नंबर आएंगे। अगर नेगेटिव है जैसे माइनस फाइव अपॉन थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री, अगर नेगेटिव लेफ्ट साइड तो जीरो इधर आएगा और इधर माइनस वन आएगा। मतलब तुम्हें उल्टा प्लॉट करना है, इस साइड लेफ्ट साइड मूव करना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या देखनी है, फर्स्ट थिंग, नंबर जो दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा कि तुमको जीरो के राइट साइड मूव करना है या जीरो के लेफ्ट साइड मूव करना है, वो पता चलेगा। सेकंड यू हैव टू चेक मोस्टली, तो हमें प्रॉपर ही मिल रहा है, मोस्ट इम्प्रॉपर अभी तक मिला ही नहीं है। मैम इम्प्रॉपर नहीं, पर हमको मिक्स फ्रैक्शन में मिलता है। हाँ मिक्स वाले मिलते हैं। इसके लिए मैं बता दूँ, प्रॉपर है मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर ही होता है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर ही होता है हमको, तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर वो चेक करना है, ठीक है। अब सबको स्टार्ट करते हैं, एक नंबर लेते हैं थ्री बाई टू, इम्प्रॉपर है, ठीक है। पहली चीज देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो मैंने स्टेप्स बोले बेटा वैसे चेक करो, क्योंकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसका जीरो वन रिप्लेसमेंट जो होता है उसके वजह से पूरे मार्क्स पूरा सम गलत हो जाता है, ओके। तो ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप वो हैबिट ही बनाओ। सबसे पहले चेक करने का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, खुद ही बोलने का पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, सो वी विल मूव राइट साइड, ओके, विल मूव लाइक दिस। अब सेकंड चेक करना है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, ओके। तो इम्प्रॉपर है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब थ्री को डिवाइड करेंगे, आएगा वन वन बाय टू, वन वन बाय टू, ओके। ये नंबर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा होता है वन वन बाय टू, मतलब तुमको वन तक तो पहुंच ही जाना है, उसके बाद वन बाय टू पे जाना है। तो अब डिनोमिनेटर में कितने हैं, टू टू, ओके। तो टेक यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट, वन इधर आएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया वन और ये हो गया टू पार्ट्स में, और फिर वापस से क्या उधर। अब कैसे ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बेटा, वो तुम्हारी मर्जी, तुमको जितना रखना हो, ठीक है। यू कैन पुट इधर ऊपर नाम, ए बी सी डी ई, ऐसे नाम भी रख सकते हो, बट इन सब के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। वो तुम्हारी चॉइस, तुमको 1 सेंटीमीटर रखना है, 1.5 सेंटीमीटर रखना है, 2 सेंटीमीटर रखना है, 3 सेंटीमीटर, जो तुम्हें रखना है रख सकते हो, बट सबके बीच में सेम होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। अब वन वन तक तो पहुंच जाओ, सीधा वन आ गए, उसके बाद ये हुआ वन बाय टू, तो मतलब ए से डी पूरा ये तुम्हारा हो गया, ए से डी इधर, दिस इज योर थ्री बाय। अब अगर हमें नंबर दिया हो थ्री वन बाई टू, ओके, माइनस सेवन बाय फाइव को रिप्रेजेंट करो, ये नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है।
डन बेटा, सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर विद नेगेटिव नेगेटिव और उसके बाद इनप्रॉपर है एंड यू हैव टू गो बैक साइड. अब इट्स प्रॉपर और इनप्रॉपर 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 उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. वन टू बाई फाइव मैम. वन टू अपॉन फाइव. वन टू अपॉन फाइव राइट. अब देखो इसका मतलब हुआ वन टू अपॉन फाइव यानी माइनस वन तक तो तुम्हें आ ही जाना है. पहले पार्ट्स कितने करने हैं? पार्ट्स करने हैं पांच. वन टू थ्री फोर और ये फाइव पे आया माइनस वन. ठीक है फिर वन टू थ्री फोर फाइव पे आया माइनस टू. ऐसे मूव करेंगे तो जीरो से माइनस वन तक तो पहुंच ही जाना है क्योंकि माइनस वन है और उसके आगे जाना है मेरा टू बाय फाइव. तो ये वन बाय फाइव और ये टू बाय फाइव. यहां से यहां तक दिस इज योर माइनस सेवन एंड वन. एम कोई स्पेसिफाई डिजिट होगा कि वन वन से कितने कितना गैप छोड़ना है हमें? जीरो से वन स्केल टून जो भी हो दैट इज योर विश. तुम कितना गैप छोड़ना चाहते हो इनके बीच में वो तो तुम्हारी इच्छा. 1.5 ले लो जितना भी लेना. 1 सेंटीमीटर लो और अगर बहुत ज्यादा छोटा हो ना जैसे इसके पहले हमने किया था उसमें सिर्फ दो ही पार्ट थे उसमें तो तुम ज्यादा ले सकते हो दो दो तीन तीन सेंटीमीटर का गैप क्योंकि सिर्फ दो ही पार्ट कर रहे हैं. क्या बेटा तुम नोटबुक में कुछ कर नहीं रहे हो सिर्फ देख रहे हो? क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. By what number should we multiply minus 15 upon 20 so that the product may be minus 5 by 7? मैम हमको x assume करके करना है. Let the number be x. लिख रहा हूँ. सबको लिखना है. सबको बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई तो सबको x शुड बी मल्टीप्लाई कर लिखो x. तो माइनस 15 बाय 20 में x मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल गेट. अब ये मल्टीप्लाई की जगह पे वो कुछ भी ले सकते हैं. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट एडेड कुछ भी हो सकता है. ठीक है तो माइनस 15 बाय 20 इनटू एक्स इक्वल्स टू दिस. मैं 15 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो
माइनस 20 अपॉन 50 हो जाएगा, रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो मैम फिर सॉल्व कहां से होगा, 5 से 15 तो हो जाएगा, 7 से नहीं होगा। हाथ पर 7 से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले काटा। 20 अपॉन 21 ओके बेटा, अब फिर तुमको वो आता है ना बेटा, ये क्या मंजा मांजा मंजा बेटा क्या दिखा रहे हो, कब से क्या कर रहे हो? अच्छा अब मेरा वो आता है ना तुमको फाइंड करने का, फाइंड टू डिफरेंशियल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। हां वो तो सिखा दिया था स्कूल में, अच्छा डिवाइड बाय 10 ऊपर नीचे करके। मैम डिनोमिनेटर को सेम करना है, हां फ्रैक्शन करके फिर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है ना, अगर जितने नंबर आपको मिलते वो नहीं आपको, अगर आपको जितने नंबर चाहिए आपको नहीं मिलते तो उसके अंदर जितने नंबर आपको चाहिए उससे एक ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई कर। गोल नहीं मैम, जब समझे उसमें कर। अरे पर मैम को सम तो देने दे। असेंडिंग डिसेंडिंग भी सबको आता है राइट? यस असेंडिंग यस सबको आता है ठीक है। हां मैम वो तो सबका आता है। अच्छा डिनोमिनेटर्स को सेम कर देने का। अरे शांति रख शांति रख। अब ये चैप्टर 1 की वर्कशीट सबको मिल गई है कि नहीं मिली है? नहीं मैम चैप्टर 2 की मिली है, चैप्टर 1 की नहीं मिली। चैप्टर 2 लीनियर मैम, चैप्टर 1 की मिल गई भाई, चैप्टर 2 की है बे वो, वो चैप्टर 2 की है। मैं देख चैप्टर 1 की मिल गई मैम, एक मिनट।